हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। होप करते हैं बढ़िया होंगे। जैसा कि आपको पता है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एफिलेटेड कॉलेज सीएमपी डिग्री कॉलेज की तरफ से लगातार कट ऑफ आना जारी है। आज भी काफ़ी सारे कोर्सेज की कट ऑफ जारी हुई है, जिनकी काउंसलिंग कल 5 तारीख को होगी। तो आइए पूरा डिटेल में बताते हैं किन किन स्टूडेंट्स को काउंसलिंग करानी है एंड कितने से कितने मार्क्स वाले स्टूडेंट्स को काउंसलिंग करानी है। सभी कोर्सेज की कट ऑफ बताएंगे, जिन जिन कोर्सेज की कट ऑफ जारी हुई है सारी जानकारी डिटेल में देंगे। उससे पहले अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आगे कोई भी कट ऑफ आती है, काउंसलिंग से रिलेटेड अपडेट आती है, तो जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और कोई भी अपडेट आए तो वो आपसे मिस ना हो। साथ ही साथ अगर आप हमारे टेलीग्राम पेज से नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, टेलीग्राम पेज से भी जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये जितनी भी आज कट ऑफ आई है, जिसकी सबकी काउंसलिंग कल 5 तारीख को होगी। सबसे पहले एम कॉम की कट ऑफ देख लीजिए। एम कॉम में अगर आपके 130 से 130 से अधिक मार्क्स हैं तो आप कल काउंसलिंग करा सकते हैं। यू आर की कट ऑफ है, यू आर में आपके सभी कैटेगरी के स्टूडेंट आ जाते हैं। वहीं एम ए एनसीएट हिस्ट्री में अगर आपके 140 से 140 से अधिक मार्क्स हैं, आप किसी भी कैटेगरी से हों, तो कल 5 तारीख को सीएमपी डिग्री कॉलेज में काउंसलिंग करा सकते हैं। एम ए इकोनॉमिक्स में अगर आपके 80 या 80 से अधिक मार्क्स हैं, तब भी आप कल काउंसलिंग करा सकते हैं। एम ए एजुकेशन में अगर आपके 90 या 90 से अधिक मार्क्स हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हों, तो कल काउंसलिंग करा सकते हैं। 5 तारीख को ऑनलाइन मोड में आपकी काउंसलिंग हो रही है। एम ए इंग्लिश में अगर आपके 125 से 125 से अधिक मार्क्स हैं, तब भी आप कल काउंसलिंग करा सकते हैं। एम ए ज्योग्राफी में अगर आपके 148 से 148 से अधिक मार्क्स हैं, तब भी आप कल काउंसलिंग करा सकते हैं सीएमपी डिग्री कॉलेज में। एम ए हिंदी में अगर आपके 110 से 110 से अधिक मार्क्स हैं, तब भी आप कल सीएमपी डिग्री कॉलेज में काउंसलिंग करा सकते हैं। एम ए ज्योग्राफी की हमने आपको बताई कि नहीं, फिर बता देते हैं। एम ए ज्योग्राफी में अगर आपके 148 से 148 से अधिक मार्क्स हैं, तब भी कल आप सीएमपी डिग्री कॉलेज में काउंसलिंग करा सकते हैं। एम ए हिस्ट्री में अगर आपके 140 से 140 से अधिक मार्क्स हैं, तब भी आप कल सीएमपी डिग्री कॉलेज में काउंसलिंग करा सकते हैं। एम ए फिलोसफी में अगर आपके 60 या 60 से अधिक मार्क्स हैं, तब भी आप कल काउंसलिंग करा सकते हैं। एम ए पॉलिटिकल साइंस में अगर आपके 182 या 182 से अधिक मार्क्स हैं, तब भी आप कल सीएमपी डिग्री कॉलेज में काउंसलिंग करा सकते हैं। एम ए साइकोलॉजी में अगर आपके 130 या 130 से अधिक मार्क्स हैं, तब भी आप कल सीएमपी डिग्री कॉलेज में काउंसलिंग करा सकते हैं। एम ए संस्कृत में ऑल रहेंगे, अगर 0 मार्क्स भी, तब एमए संस्कृत में प्रवेश ले सकते हैं, जिसकी काउंसलिंग कल होगी। एमए सोशियोलॉजी कट ऑफ गई है 148 एंड अब। अगर आपके 148 या 148 से अधिक मार्क्स हैं एमए सोशियोलॉजी में, आप किसी भी कैटेगरी से हो, तो कल काउंसलिंग करा सकते हैं। एमए उर्दू में ऑल रहेंगे। एमएससी बॉटनी में अगर आपके 130 से 130 से अधिक मार्क्स हैं, तब भी आप कल काउंसलिंग करा सकते हैं। एमएससी केमिस्ट्री में अगर आपके 142 या 142 से अधिक मार्क्स हैं, तब भी आप कल काउंसलिंग करा सकते हैं। एमएससी मैथमेटिक्स में अगर आपके 120 या 120 से अधिक मार्क्स हैं, तब भी आप कल 5 तारीख को काउंसलिंग करा सकते हैं। और एमएससी जूलॉजी में अगर आपके 172 या 172 से अधिक मार्क्स हैं, तब भी आप कल सीएमपी डिग्री कॉलेज में काउंसलिंग करा सकते हैं 5 तारीख को। ये जितनी भी कट ऑफ आई, जिसकी काउंसलिंग आपकी कल 5 तारीख को होगी, ये सभी कोर्सेज की कट ऑफ है। बाकी जिन कोर्सेज की अभी कट ऑफ नहीं आई है, उनकी कट ऑफ आपकी 1-2 दिन में जारी हो जाएगी, और जैसे जारी होगी उसके अपडेट हमारे चैनल पर आपको दे दी जाएगी। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें एंड बेल आइकन प्रेस करके रखें। ठीक है, धन्यवाद।